आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक आनंद भोग आटा। नमस्कार, सीटीवी मिथिला में आपका स्वागत है, मैं हूं नादी। दिघी जलाशय का सौंदर्यीकरण, इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने चंद्रधारी संग्रहालय और दिघी जलाशय का निरीक्षण करते हुए ये बातें कही। उन्होंने नगर निगम के कंसल्टेंट को निर्देश दिया कि जलाशय के कम गहराई वाले उत्तर पश्चिम के जिस हिस्से में अभी जलकुंभी है, उधर किनारे किनारे पाथवे बनाकर उसी हिस्से में लोहे के पुल से दोनों किनारे को जोड़ने का प्रपोजल बनाकर एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने म्यूजियम के परिसर में सुंदर पार्क बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पार्क में आने वाले लोगों के लिए सभी प्रकार की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि पूरा प्लान इस तरह से बनवाएं कि भविष्य में लेजर शो भी यहां हो सके। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने वाटर स्पोर्ट्स के लिए खरीदे गए खेल सामग्रियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने जिला खेल पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मिथिला महोत्सव के अवसर पर होने वाले नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का चयन कर उनका ट्रेनिंग शुरू कर दे। ट्रेनिंग की व्यवस्था इस प्रकार से शुरू की जाए कि यहाँ के प्रतिभागी राज्य और नेशनल लेवल के प्रतियोगिता में भी भाग लेने योग्य बन सके। वहीं जिलाधिकारी ने हराही पोखर का भी जायजा लिया और वहां के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए भी प्रपोजल बनाने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया। ये चंद्रधारी म्यूजियम का रिनोवेशन वर्क चल रहा है, तो उसको भी हम लोगों ने देखा है अभी, और उसके साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स शुरू कराया जाना है। उसके लिए सामान आ चुकी है, उपकरण सभी आ चुके हैं, तो उसके लिए चिन्हित करके जो हमारे खिलाड़ी हैं वाटर स्पोर्ट्स के, उन लोगों को प्रशिक्षण कराना, और अगला जो हम लोग मिथिला महोत्सव मनाने जा रहे हैं उस दिवस पर वाटर स्पोर्ट्स आयोजित किया जाए यहाँ, और जिला स्तरीय टीम भी बनाई जाए जो राज्य स्तर और उसके आगे भी खेले, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ विचार विमर्श आज किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पार्क एक अच्छा डेवलप करने के लिए अमृत योजना के तहत उस पर भी विचार विमर्श किया है और उसका प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं ताकि एक शहर के लिए बेहतर स्थल ये हो सके और आम लोग भी इसका फायदा उठा सके। जनता दल यूनाइटेड दलित महादलित प्रकोष्ठ के प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन दरभंगा राज मैदान में किया गया, जिसमें जदयू नेता श्याम रजक, विधायक सुनील चौधरी, मंत्री मदन सहनी, मंत्री महेश्वर हजारी, विधायक अशोक चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। किनारे के साथ पूरा सुरक्षा प्रदान करते हुए आगे बढ़ाया। उस व्यक्ति का नाम धनराज थी, उसका लूट लिया गया, हमारे सुअर का, मुर्गी का, गाय। महात्मा गांधी आजादी के पूर्व इस प्रदेश और इस देश के महादलित दलितों के लिए छुआछूत के खिलाफ आवाज बुलंद किया था, और आजादी के बाद बाबा साहब के साथ मिलकर एक संविधान का निर्माण किया। इस संविधान में दलितों को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया गया। 70 वर्ष की आजादी के बाद भी बहुत से कानून बनाए गए, बजट में बहुत से प्रावधान किए गए, लेकिन दलितों की स्थिति में सुधार नहीं हुए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि जब उन्होंने इस प्रदेश का कार्यभार संभाला था तो इस प्रदेश में 40,000 करोड़ का मात्र बजट दलितों के लिए था, और आज 13 साल के उनके कार्यकाल में वो बजट 1,550 करोड़ रुपया बढ़ा है। 38 गुना इस दलितों के बजट को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने का चाहते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न करने का काम, सामाजिक रूप से संपन्न करने का काम, और शैक्षणिक रूप से संपन्न करने का काम किया है। बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने कानून को बनाया, लेकिन उस कानून को अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसीलिए 70 साल 73 साल की आजादी के बाद भी जो दलितों की स्थिति बननी चाहिए थी इस देश में, वो स्थिति नहीं बनी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी को कि जिनके प्रति दलितों के प्रति संवेदना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस प्रदेश में और इस देश में अगर कोई दलित प्रेमी मुख्यमंत्री हुआ है वो है नीतीश कुमार। इसीलिए विकास पुरुष के साथ साथ हम उनको कहते हैं कि इस प्रदेश में दलित प्रेमी मुख्यमंत्री है जिसके लिए दलितों के प्रति संवेदना है, दलितों को आने लाने के लिए ललक है। हमारे गरीबों में जो गरीब परिवार के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा
डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने और हमारा बच्चा कलेक्टर बने, लेकिन इस प्रदेश में और इस देश में अकेला व्यक्ति है जो दलितों को कलेक्टर बनाने के लिए योजना की शुरुआत की। इस देश में केवल और मुख्यमंत्री नहीं है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की पीटी की परीक्षा पास किए हुए बच्चों को सशक्त मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई। अभी हाल ही में बिहार पटना में 2 दिन का दलित चिंतक पूरे देश के दलित चिंतकों की बैठक हुई थी 13 और 14 तारीख को, और दलित चिंतकों ने माननीय मुख्यमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि शायद आजादी के बाद इतना संवेदनशील दलित मुख्यमंत्री कौन हुआ होगा जो दलितों के प्रति इतना संवेदना है। महात्मा गांधी दलित नहीं थे, जो लोग कहते हैं कि दलित में पैदा लेकर ही कोई दलितों की चिंता कर सकता है वो सही नहीं है। महात्मा गांधी भी दलित नहीं थे, लेकिन इस देश में छुआछूत के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम किया। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को इस सम्मेलन के माध्यम से साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी सरकार जिसके मुखिया नीतीश बाबू हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में काम हुआ है और ख़ास करके जो दलित महादलित समाज के लिए काम हुआ है उसके बारे में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी दी जाए और साथ ही साथ उनको आगाह किया जाए कि अगर तरह तरह के लोग जो आकर के उनको भ्रामक प्रचार करते हैं, कई मुद्दों पर उनको गलत जानकारी देते हैं, उनसे भी उनको पूरा का पूरा जानकारी दे करके उनको सावधान कर दिया जाए। और जो हमारे कार्यकर्ता जहाँ आए हैं, जो सुने हैं, वो गांव में जा करके इन बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सब लोगों के मन में जो दूध का दूध और पानी का जो है वो साफ होगा। मंडल स्तर का चाहिए बाद वो जा रहे थे और जा कर कहीं छाम रुक रहे थे, थोड़ी सी चूक हुई, अगर शेड की व्यवस्था होती तो सब लोग बैठते तो आपको लगता कि नहीं संख्या कम होती। एक अलग सवाल थे कि जो सीट शेयरिंग का मामला चल रहा है तो क्या लगता है आपका जो सीट शेयरिंग में संभवतः पहले महागठबंधन टारगेट कर रही थी हम लोग अलग अलग जाएंगे, फिर होली थी एक साथ जाएंगे, लेकिन जो बातें 17-17 सीट पर आ रही है, 16-16 सीट पर आ रही है, आप लोग के अंदर खाने भी बागी उत्पन्न हो सकते हैं, उसको लड़ने के लिए उससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए एक बात मैं बता दूँ कि जो आप कल ही आपने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया सीट शेयरिंग के बारे में, 50-50 का आपने देखा कि हम लोग का है, बाकी जो हमारे दो साथी हैं उनसे उन लोग अंतिम दौर की वार्ता कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का संतोष और जिसकी आप बात कर रहे हैं कि साहब कोई जो दावेदार होंगे उनको निराशा होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग हमारे हिस्से में जितनी सीटें आएंगी उसको और साथ ही पूरे के पूरे 40 सीटों पर हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सारे नेता हैं पूरी ईमानदारी से लग करके सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने के प्रयास करें। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी को कैसे ऑलरेडी रुके हुए हैं सर, ग्राफ उनका बढ़ रहा है, ग्राफ बहुत नीचे है मिथिलांचल की बात करें, मिथिलांचल की बात करें तो मिथिलांचल का आपकी राजनीति में काफी महत्व है, तो इस यहाँ के बारे में आपको क्या कहना है, किस प्रकार के उम्मीदवारों को आप यहाँ उतारेंगे कि आप अधिक से अधिक मिथिलांचल में सीट मिल सके? देखिए आप, हम किसी खास सीट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप इतना आश्वस्त रहिए कि हम लोग जिन उम्मीदवारों को मैदान में लाएंगे वो सब सक्षम उम्मीदवार होंगे, कोशिश करेंगे युवा को थोड़ी उसमें हिस्सेदारी मिले और निश्चित रूप से ऐसे उम्मीदवार लाएंगे जो जब जाए लोकसभा में जीत करके तो मिथिलांचल की बातों को मजबूती से रख सकें। बहुत सारे लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं सर, स्पष्ट है आरक्षण क्या है, विशेष सुविधा है जो आज तक जो पीछे रहे उसमें सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड का है, जब तक उसका कोई संशोधन नहीं हो जाता है तो बाकी जितने लोग बात करते हैं वो सिर्फ बात करने के लिए। सर एक प्रश्न है कि आज आपके मंच से सभी वक्ताओं ने दलित महादलित की बात तो की, सारी बात हुई नीतीश कुमार जी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो दलितों के लिए योजनाएं बनी उनकी चर्चा नहीं, क्या लगता है कि आप लोगों सिर्फ मैंने बिहार की बात कर रहे हैं दलितों के लिए सिर्फ पूरे नहीं, एक बात मैं बता दूँ, देखिए हम लोगों ने जिन योजनाओं की चर्चा की उन योजनाओं में केंद्रीय योजना भी शामिल है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसकी फंडिंग में राज्य सरकार का भी पैसा होता है केंद्र सरकार का भी पैसा होता है, तो हम लोगों ने कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार का बात नहीं की, बल्कि जितनी भी योजना है अभी तो पूरे विस्तार से हमने चर्चा नहीं किया, बहुत सारी हमारी शिक्षा में और योजनाएं हैं,
स्वास्थ्य में हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें सबका पैसा लगता है, उसमें कोई हम लोग केंद्र और राज्य की बात नहीं करते। सबसे अधिक जरूरी था आवास, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, उस योजना को किसी प्रस्ताव ने सरकारी की सबसे अधिक गरीब को। देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक योजना नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं। और चूंकि आपने देखा ना कि जिस तरह की धूप थी, अगर हम लोग बोलते बहुत घंटे लग जाते उन योजनाओं की चर्चा करते, लेकिन वो सारी योजनाओं की जानकारी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको हम लोग बुकलेट के माध्यम से भी दिए हैं, हम लोग उनका प्रशिक्षण भी करते हैं और उसका लाभ सब लोग लेते हैं। दूसरी बात ये है सर, भारत को नहीं दे रहा बीजेपी की है, अब आपकी जिम्मेवारी है कि 40 का 40 ये तो सारी जिम्मेवारी बीजेपी। अरे सुन लीजिए एक बार, जरा ध्यान रखिए, ये इस तरह के कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए जेडीयू की ताकत है बिहार में, ये सब जानते हैं। जिस किसी की भी बात आप जिनकी चर्चा बोल रहे हैं कि ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, कितनी सीटें थी उनकी विधानसभा में? 22 थी, जब हमारे साथ आए तो 88 पर पहुँच गए। तो देखिए ये जिम्मेवारी इसकी नहीं होती कि हम आपको दे रहे हैं, सब मिलकर, सबकी अपनी ताकत है, जेडीयू की अपनी ताकत है, बीजेपी की अपनी ताकत है, रालोसपा की अपनी ताकत है, लोजपा की अपनी ताकत है, ये सभी ताकत मिलकर के संगठित होंगे तब जा करके पूरा का पूरा सामने में। सर 2 से 16 दिया गया, कहीं ना कहीं आप पर विश्वास आप दिया गया। देखिए आप समस्या क्या है ना कि आप लोग बिल्कुल नज़दीक वाला देखते हैं, हम 20 थे, इसको भूलिए मत। 2019 में हम 20 हमारे MP थे, तो समय समय की बात होती है कि हमारा सुनना गायब हो गया, हम दो पर रह गए। सर एक सवाल सर, सूखा से सर, सूखा और लगातार विपक्ष कह रहा है कि जहां राजद के विधायक थे वहां इग्नोर किया गया है, क्या सर? ये देखिए वो बहुत ही उनकी बेबुनियाद जिस तरह की सोच, देखिए वो हमेशा चीज़ों को सोचते हैं पार्टी लाइन पर, हमारे नेता बिहार के उस पर सोचते हैं, जहां पर वो बोल रहे हैं उनके नेता हैं कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ नहीं है। देखिए 3 कैटेगरी उसमें बनाया गया और वो हमेशा रिव्यू होते रहता है, उस कैटेगरी में जो जो और प्रखंड आएंगे उनको लिया जाएगा। सर कल दरभंगा में घटना घटी थी 2 दिन पहले, जिसमें जेडीयू के नेता थे मनोज ठाकुर, उनकी चर्चा सामने आई, क्या वो आपके सदस्य थे या नहीं? हमको इसकी जानकारी नहीं पाई। इधर जेडीयू के दरभंगा राज कैंपस में हुए दलित महादलित सम्मेलन को लेकर दरभंगा राजद के जिलाध्यक्ष मोहम्मद कलाम ने कहा कि सम्मेलन में बिहार के सभी जेडीयू के कद्दावर नेता उपस्थित थे, बावजूद इसके कुर्सियां खाली रही। इस समाज के लिए आरक्षण जारी रहेगा। देखिए आज बिहार का जनता और खास करके बिहार का दलित और महादलित ठगासा महसूस कर रहा है, और नीतीश कुमार जी ने जो जनादेश का अपमान किया है उसका बदला आज दरभंगा से शुरू हो गया कि आज जो है दरभंगा का राज मैदान, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री को छोड़ करके बाकी बिहार के तमाम कद्दावर नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, मतलब तमाम लोग जदयू का उसमें उपस्थित थे, लेकिन हम लोगों ने भी जो देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि पूरा कुर्सी खाली पड़ी हुई है, बिहार का जनता नीतीश कुमार से मुंह तोड़ लिया है। आने वाले समय में बिहार का जनता 2019 और 2020 में मन बना लिया कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे और तेजस्वी यादव को 2020 में मुख्यमंत्री बनाएंगे, और 2019 में नीतीश कुमार और बीजेपी को धूल चटा करके बिहार से भगाने का काम करेंगे। भीलवाड़ा प्रखंड के कटका पंचायत के दहशील गांव में आयोजित 6 दिवसीय फाइलेरिया नियंत्रण इकाई दरभंगा की ओर से चल रहे फाइलेरिया रोगी खोज अभियान शनिवार को संपन्न हो गया। इस मौके पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने बताया कि इस अभियान में कुल 485 लोगों को फाइलेरिया की जांच किया गया, जिसमें 21 मरीज ऐसे पाए गए जिसके रक्त में फाइलेरिया के कीटाणु उपस्थित थे। फाइलेरिया रोगी खोज अभियान फाइलेरिया रोग के रोकथाम के लिए चलाया गया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जो फाइलेरिया संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। इस रोग में मुख्यतः पैर और अंकोश मोटे हो जाते हैं और प्रारंभ में ही इसका इलाज संभव है। आज करवा चौथ है, यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे अहम व्रत होता है। इस दिन महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यही नहीं, कुंवारी लड़कियां भी मन वांछित वर के लिए या होने वाले पति की खातिर निर्जला व्रत रखती हैं। इसमें गणेश एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 16 श्रृंगार करके पूजा पर बैठती है महिलाएं। व्रत सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत कहलाया जाता है। इस व्रत के आरंभ में सारी स्त्रियां व्रत के एक दिन पहले
अपने सुहाग की सारी सामानों की खरीदारी करती है। सुहाग के सामान जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ऐसे सारे सुहाग के सारे सामान लिए जाते हैं। करवा लिए जाते हैं, दो करवे लिए जाते हैं, जिसे मायके और ससुराल की तरफ से कहा जाता है कि आते हैं। उसके बाद जिस दिन करवा चौथ होता है, उसकी सुबह सुबह सरगी का रिवाज होता है, जो सास अपनी बहू को देते हैं। वो 3:30 बजे सुबह उठ के जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, वो सरगी उनके हाथ खाए जाते हैं। उसके बाद पूरा दिन बिना अन्न जल के ये व्रत फिर वो संपन्न करती हैं। और उसके बाद 4 बजे के करीब गणेश जी का पूजन किया जाता है, जिसमें गणेश जी के सारे पूजन विधान किए जाते हैं, पूजा कर व्रत कथा आदि किए जाते हैं। इस सब के बाद रात में चंद्र को अर्घ देके यह व्रत संपन्न किया जाता है। बस यही। पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने सिधवा पंचायत के परसाही गांव की वार्ड संख्या 9 में नल जल योजना का किया उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले 2 वर्षों में सभी को नल जल और बिजली सुविधाएं मिल जाएंगी। शहर की तरह गांव में भी पक्की सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, शिविर लगाकर सभी को बिजली दी जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मिशन साहसी विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा जिला में आज दूसरा दिन भी कार्यक्रम विभिन्न महाविद्यालय और विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर नागेंद्र झा महिला विद्यालय, MRM कॉलेज, MRM हाई स्कूल, राजेंद्र बालिका उच्च विद्यालय, भड़वाड़ा हाई स्कूल सभी महाविद्यालय और विद्यालय में लगभग 750 छात्राएं इस कार्यक्रम में भाग ली। छात्राओं को आज जूडो कराटा का महत्व एवं प्रशिक्षण विस्तृत रूप से दिया गया। 3, 4, 5, तो निश्चित रूप से वो अपना आत्मरक्षा तो करेगी ही, लेकिन अगर उसके नजर के सामने किसी महिला या किसी बच्ची की उसके साथ व्यवहार किया जा रहा, उसको दबोचा जा रहा, उसके निश्चित रूप से उसको भी बचाने का काम करेगी। इस तरह से हमारे इस जिले में साहस जो है ना, साहसी मिशन के अंतर्गत हम सीखेंगे तो हम खुद का भी अपना रक्षा कर सकते हैं, या दूसरे के भी कोई लड़की जब रास्ता में अकेले फंस गई, हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो उसको भी बचाव कर सकते हैं। सीखने के बाद कुछ झगड़ा हो रहा है उसमें भी हम थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में फिर एक बार मरीज का शोषण हुआ। रखा गया है 24 तारीख को ये भर्ती हुई थी और 24 और 25 रहा है, कल 25 तक कल आए थे ये लोग, और इससे परिजन से ना मिलने दिया जा रहा है, और शादी पूजे पर जो है दवा लिख कर और दाम लिख कर जो पूरा पेमेंट का बिल देकर दे दिया गया है। ठीक है, कौन डॉक्टर है, नहीं है, कैसा हॉस्पिटल है, कोई पता होता है नहीं। ठीक है, इस टाइप का आवेदन दिया है कि मतलब उनको शंका है कि यहाँ कोई डॉक्टर है नहीं और बिना डॉक्टर का ही इलाज होता है यहाँ पे। तो क्या शंका के आधार पे आपने जांच की? हाँ, उनसे हमारी फ़ोन से बातचीत हुई थी तो उन्होंने एकदम धमकी वाले लहजे में कहा कि हमारे यहाँ जो है कोई मंगल पांडे मंत्री जी हैं, वो बैठते हमारे यहाँ आते हैं 10-15 के मंत्री का फ़ोन पर डे आता है, हमको इस मत समझाइए, मानवाधिकार क्या होता है नहीं होता हमको सब पता होता है, आपको जो करना है करते रहिए, हम ऐसे ही करते हैं ऐसे ही करेंगे, इस टाइप का उन्होंने बोला, फ़ोन पे बोला। उसके बाद जो आनंद फार्म में उन्होंने जो है उनको डिस्काउंट करके 10,000-15,000 आवेदन के आलोक में वहाँ के जो MM इमरजेंसी हॉस्पिटल है उनके यहाँ फ़ोन किया, उनके अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं कोई मृत्युंजय कुमार शर्मा हैं, उनसे हमारी फ़ोन से बातचीत हुई थी,
लेकिन उन्होंने फ़ोन से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 10 मंत्री का पर डे कॉल आता है, हम मंत्रियों के साथ बैठते उठते हैं और ऐसा हम बिल जितना पैसा है उतना लेंगे ही। हमारी बातचीत थी कि आपने जो बिल लिया और आपके यहाँ कौन डॉक्टर है मुझे ये पूछना था, लेकिन वो कुछ बोलने दिया नहीं। हम कुछ देर बोला कि हम मंत्री से बात करते हैं, हमारे यहाँ 10 मंत्री बैठते हैं, आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम तो बिल लेंगे ही। इस तक उन्होंने धमकी से भरा लफ्ज में कहा कि मंगल पांडे जो मंत्री हैं, जो भी केंद्रीय मंत्री अनुराग पासवान जी हैं, सब हमारे यहाँ आते हैं बैठते हैं, हम पर डे ही काम करते हैं, लोग को हम धमकाते हैं, आप हमको क्यों फ़ोन किए हैं। ठीक है, इस टाइप का उन्होंने लैंग्वेज यूज़ किया। क्या लगता है कि ये पूरी फर्जी है, ये पूरा क्लिनिक फर्जी है, क्योंकि जो है ना उसका कोई बोर्ड लगा हुआ है नीचे ऊपर में, और सीधे जो है ये A1 हॉस्पिटल नीचे में उसके ऊपर ये चला रहा है, उसमें ICU सब सारा व्यवस्था किए हुए हैं, पूरा का पूरा फर्जी अस्पताल है, जिसकी जांच का जो हम रिपोर्ट भेज रहे हैं DM साहब को और यहाँ के CS को, बाकी पटना दिल्ली से भिजवा रहे हैं, और ये पक्का ये, और ख़ासकर ना मंत्री लोग का नाम लेकर जो है लोगों की धोस जमाते हैं, ताकि कोई इनके ऊपर आरोप लगाए नहीं, कुछ करे नहीं इस टाइप का, जिसका रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, रिकॉर्डिंग का भी कॉपी करके हम सबको मेल कर रहे हैं और कार्रवाई करवा रहे हैं। जयनगर का सबसे प्रतिष्ठित होटल नारायण होटल, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं नाश्ता के लिए यहाँ एक बार अवश्य पधारें। विभिन्न तरह की मिठाइयों का उत्तम व्यवस्था है, यहाँ प्रत्येक शुभ अवसर पर विशेष मिठाई का ऑर्डर लिया जाता है। स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण में जयनगर का एकमात्र शुद्ध शाकाहारी होटल नारायण। प्रोपराइटर हरि नारायण यादव, पता अम्बे होटल के नीचे मेन रोड जयनगर मधुबनी, मोबाइल नंबर 8340604600। वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, पता BMP 13 सोनकी रोड दरभंगा, एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और CCTV कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच BMP 13 सोनकी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा।